फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों का इस लिपस्टिक का रिव्यू शेयर करूंगी। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम इन विद हुलाइफ चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो वीडियो वो है अनबॉक्सिंग लिपस्टिक का हॉल है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये कैसे मुझे रिसीव हुई। तो आज मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैं पहले इसको कट करके देखती हूँ कि ये मुझे कैसे रिसीव हुई है। तो मैं इसको पहले अनबॉक्सिंग करती हूँ। ये देखिए, पहले मैं इसे कट कर लेती हूँ। ये इसका बिल है और देखिए ये मुझे 190 में मिली है। मैं इसको ओपन करती हूँ। पैकेजिंग देखिए, उन्होंने काफ़ी अच्छी की है इसकी। बबल रैपिंग की अच्छे से ताकि ये टूटे या डैमेज ना हो। ये देखिए, और साथ में ये काजल भी इन्होंने दिया है इस लिपस्टिक कॉम्बो में। तो पहले मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। मैंने इस ब्रांड की लिपस्टिक पहले भी यूज़ की है। अगेन मैंने इस बार मंगाया था, मैंने सोचा क्यों ना मैं रिव्यू शेयर करूं। ये देखिए, ऐसी पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुई है। जैसे मैंने बताया कि पैकेजिंग इसकी काफ़ी अच्छी की है सेलर ने, तो मैं इसको ओपन करती हूँ। देखिए वेल पैक है। ये देखिए, ये 12 पीस हैं और देखिए मल्टी कलर में सारे कलर हैं। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। जैसे मैंने बताया कि पहले भी मैंने इस सेम ब्रांड का लिपस्टिक यूज़ किया है, इसलिए मैंने सोचा इस बार मैं मंगा रही हूँ तो क्यों ना मैं रिव्यू शेयर करूँ। और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, तो मैं इसके सारे शेड्स आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, ये पर्पल कलर की है। मैं इसे अप्लाई करके ये देखिए पर्पल कलर की, और ये क्रीमी है। जैसे बहुत हार्ड हार्ड सी होती है लिपस्टिक, वैसी नहीं है, काफी क्रीमी है। देखिए ये सेकंड है, पिंक कलर में है। ये देखिए, और ये देखिए कोई डैमेज नहीं है। और ये देखिए डार्क मैरून पर्पल में है। ये जैसे मैंने आपको बताया क्रीमी है, तो इसको आपको दो बार अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम में देखिए,
और ये देखिए मैरून कलर में है। ये ब्राउन कलर में है। ये देखिए ये भी पिंक है, ये लाइट पिंक में है। ये डार्क ब्राउन शेड है देखिए। ये भी उन्होंने डार्क ब्राउन और पर्पल में दिया है। जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं है, ये क्रीमिश है, लिप्स को रफ नहीं रखेंगी। ये रेड है, और ये डार्क रेड है देखिए। और इन लिपस्टिक की स्मेल भी काफ़ी अच्छी है। और ये अगेन मैरून कलर में है, मैरून रेड में है। ये लास्ट है, और आपने देखा कि कोई टूटी नहीं है या कुछ भी ऐसा कोई इश्यू नहीं है। और ये देखिए ये भी डार्क ब्राउन करके है। तो मैंने सारे शेड्स देखे, जैसे मैंने देखे सारे शेड्स आपको अप्लाई करके दिखा दिए हैं। ये जैसे ना बहुत अच्छी है तो बहुत ख़राब भी नहीं, 50-50 है। अगर कोई लेना चाहे तो जाके ले सकता है, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और 190 में ये मुझे मिली है, जैसे मैंने आपको बिल में दिखाया। और इसको आपको 2 टाइम अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा ग्लॉसी टाइप की है, जैसे आपके लिप्स को रफ नहीं रखेगी। तो आपको 2 बार इसको अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर किसी को अच्छा लगे, शेड्स तो इसके देखिए सारे अच्छे हैं, सारे कलर्स बहुत अच्छे हैं। जैसे मैंने बताया कि मैंने इसको यूज़ भी किया है, ये तुरंत जैसे लिप्स पर लगाने के बाद ऐसे नहीं है कि तुरंत हट जाएगी, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी रहती है। और मेट फिनिश में दिया है इन्होंने, ब्रांड देख लीजिए आप लोग, एडियस का है। ओके ओके है, डेली यूज़ के लिए बेस्ट है। अब काजल दिखाती हूँ, और इसके साथ में काजल भी है। और आई थिंक 1 लिपस्टिक मुझे 120 की या 10-10 रुपीस की पड़ रही है। और साथ में काजल, ये देखिए काजल इनका डैमेज है। सो फ्रेंड्स, मैं इसे रिटर्न कर दूंगी,
क्योंकि ये रिटर्नेबल प्रोडक्ट है, तो मैं देखती हूँ कि या तो रिप्लेसमेंट करा लूँगी या कोई अदर प्रोडक्ट ले लूँगी। लिपस्टिक तो बहुत अच्छी, देखिए आपके सामने मैंने सारी ओपन करके दी, कोई डैमेज नहीं थी, कुछ ऐसा कोई इशू नहीं था, मैंने बकायदा ओपन की, बट ये देखिए काजल इनका, तो काजल ने मुझे डिसपॉइंट किया तो मैं इसे रिटर्न करा देती हूँ।